10 खबरों के साथ मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। ईरान के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी चेतावनी, कहा ईरान को अब ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, कीमत चुकाने को रहे तैयार। साहिबगंज में रेलवे ट्रैक को अज्ञात लोगों ने बम से उड़ाया, 39 मीटर दूर गिरी पटरी का हिस्सा, ट्रैक पर 3 फीट का हुआ गड्ढा। देश का मानसून टैंकर बिहार में वायु सेवा का चापर पानी में गिरा, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने गया था एमपी। राजस्थान में बारिश खत्म। राजस्थान सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से चलाया जाएगा विशेष अभियान, अवैध जल कनेक्शन करने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई। इसराइल पर हमले को लेकर हुतियों ने ईरान को दी बधाई, यमन की अमेरिका को आग से ना खेलने की दी चेतावनी। कानपुर टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया ने भरी उड़ान, बांग्लादेश के हारते ही अंक तालिका में मारी लंबी छलांग। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल, निशाने पर तेल भंडार, लेबनान में दूसरी बटालियन भेजी, भारत बोला नागरिक ईरान ना जाए। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए हैदराबाद से पर बुलाया शूटर, जहां महिला का शिकार किया वहां लगाए पिंजरे, ग्रामीण से की गई अपील अकेले घर से बाहर ना निकले। एसीबी की छापेमारी के बाद कोटा संभाग के आयुक्त को हटाया। रेड के 4 घंटे बाद आईएस राजेंद्र विजय एपीओ 4 ठिकानों पर सर्च कर किया गया सील। राजस्थान पुलिस की एसआई परीक्षा हो सकती है रद्द, मंत्रिमंडलीय समिति का किया गया गठन, जांच एजेंसी और अन्य फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा निर्णय। और टॉप 10 समाचारों में इतना ही, देखते रहें स्वामी। Pizza Point Kangor for delicious moments.